जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लड़के आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, और जिनको भी पिछले 2 साल में जितने भी सेंटर पे आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जितना भी गोवा की तरफ हुआ है, मध्य प्रदेश, मतलब जहाँ जहाँ भी 2021 में और 20 में सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 20 प्रैक्टिस पेपर आपका पेपर पूरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऐसे है ना कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए उसके 4 ऑप्शन है और आपने ऑप्शन सी को टिक मारा है, पहले पूरी बात सुनिएगा, सी को टिक मारा है, सी ऑप्शन तो है आंसर में आपका कि हाँ इसका सोल्यूशन सी है, और सी क्यों सोल्यूशन है, सी से रिलेटेड कई सारी बातें भी बताई गई हैं। यानी ये जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 20 प्रैक्टिस पेपर की PDF, और जिन लड़कों को चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर क्यों ज़रूरी होता है हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो पहले बता दूं। ओरिजिनल पेपर से हमें क्या क्या पता चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओरिजिनल पेपर से हमें अनुभव मिलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है या आपसे उम्र में कोई बड़े इंसान होते हैं तो आपको अनुभव देते हैं कि देखो बेटा ये करना सही रहेगा तुम्हारे लिए, ये पढ़ोगे तो ये सही रहेगा, इस रास्ते पर चलोगे तो सही रहेगा, ठीक है, कामयाबी मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमें ये बताता है कि पिछले साल का सिलेबस क्या था, क्या क्या क्वेश्चन आया था, क्या तुम्हें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने लेवल के क्वेश्चन को टच करना है, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है ना उससे नीचे ज़्यादा पढ़ना है। तो जो हमारे पास ये 20 हमने तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए, जो पेपर सॉल्यूशन के साथ गाइड उसमें समझा भी दिया है अच्छी तरह से पेपर को, और ये पूरा ओरिजिनल है। ये मत सोचिएगा कि ये मैंने अलग से क्वेश्चन उसमें एडिट किया, आप खुद सेंटर पेपर जो है अगर किसी के पास है तो उससे मिला लेना, ठीक है, जब मिला लोगे तो कंफर्म हो जाएगा। जब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कोई लड़का पा जाता है तो उसमें उसका सोल्यूशन नहीं होता है तो वो परेशान होता है, फिर सोल्यूशन ढूंढता है, 8, 10, 20, 25 सोल्यूशन ढूंढने के बाद सिर्फ टिक मार लेता है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऐसे शॉर्टली याद कर लेता है। लेकिन जो सोल्यूशन शॉर्टली ABC का मतलब क्या है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके जो हमने PDF तैयार की है जिन जिन लड़कों को चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में करो, हाँ उसकी लिंक या जो भी जिस मेथड से आपको दी जाएगी 2-4 रुपये, 10-15-20 रुपये जो भी उसकी कॉस्ट होगी, इतनी मोटी है आई थिंक, उसमें पेज आपके 100 पेज से भी ऊपर होंगे, ठीक है, 100 पेज से भी ऊपर होंगे, और 100 पेज है तो हाँ पेज तो होगा, और उस 20 प्रैक्टिस सेट में से आप एक एक प्रैक्टिस सेट को एक एक दिन लगाते हो ना, 20 दिन में मान लो लगा लेते हो, एक दिन लगाओ सुबह तो शाम को उसे देखो, रिवीजन करो। रिवीजन का सबसे बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है पढ़ाई में, हमारे रिवीजन हमारे दिमाग में उसे रखता है। जैसे मान लो आप किसी से बात करते हो, मान लो आप कहीं गए, कोई पसंद आ गया, देखे पहली बार, देखे दूसरी बार, देखे तीसरी बार, देखे चौथी बार, देखे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। किसी से मिले, पहली बार में नाम पूछा, हो सके तो भूल गया, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, तो ऐसे मेमोरी हमारा जो दिमाग है ना इस बेसिस पे काम करता है कि आप उसे कितनी बार अटैचमेंट जुड़ते हो। तो पढ़ाई उसी तरह से, जब तक जुड़ोगे नहीं ना, पढ़ाई से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे करीब नहीं आएगी, ठीक है। आपने सुना होगा कई सारे लोग कहते हैं कि छोड़ो, वो उस बात को साइड में रखते हैं, प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिन जिन लड़कों को चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट YES यस करके भरपूर ताबड़तोड़ कमेंट करो, यस यस यस, कम से कम अगर 1000 यस के ऊपर जाता है कमेंट बॉक्स में तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही अवेलेबल करा दिया जाएगा वो बुकलेट या ई-बुक, उसे ई-बुक में कन्वर्ट करके दे दिया, या PDF का सेट, ठीक है, पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय मेल, बाय व्हाट्सअप या पेमेंट गेटवे के लिंक से, कैसे भी मतलब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाक से जितने भी लड़के इसे शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दो, ठीक है, और अगली जानकारी अगले वीडियो में, और कोई एग्ज़ाम से अपडेटेड न्यूज़ आएगी कि आर्मी का एग्ज़ाम कब होने वाला है वो भी बता देंगे, कोई रैली भर्ती अगर पहले आती है तो वो भी बता देंगे, और आपको पता ही है कि पिछले 2 साल से हम जो भी जानकारी देते हैं ऑन थॉटिक बिल्कुल प्योर जानकारी होती है, और कोई लड़का लड़की हमारी इस बात को नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।